आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्जी की रेसिपी। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आज इसे हम बनाएंगे और एकदम सॉफ्ट। कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि गट्टे जो है वो सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं, तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ इसमें बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से गट्टे कैसे तैयार किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं गट्टे की सब्जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गट्टे का डो जो है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन। ग्राम्स में अगर देखेंगे तो ये 250 ग्राम जो है बेसन है। अब साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ में डाल देंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बेसन है तो बेसन में थोड़ा सा अजवाइन ज़रूरी होता है। और साथ में डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए मैं इसमें सौंफ और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और साथ में डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच ऑयल, जिससे कि जो गट्टे हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और 1 पिंच इसमें डाला है मैंने बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा जो होता है वो। अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ से और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें आटा लगाना है। एकदम सॉफ्ट जो है आटा बनाकर इसका तैयार कर लेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर देखिए डो भी जो है वो तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा इस तरह पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से शेप देते हुए हम जो है गट्टे तैयार करेंगे। इस तरह से पहले हमें इनको तैयार करना है क्योंकि हमें इनको बॉईल करना है। तो इस तरह हाथ से आप इनको रोल करते जाइए और शेप देते जाइए इस तरह से। तो यहाँ पर मैं सारे गट्टे जो है इसी तरह से जो है बनाकर तैयार कर लूँगी। गट्टे की और भी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। एक शाही गट्टे की रेसिपी मैंने पहले से ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए सारे रोल्स जो है मैंने तैयार करके रख लिए हैं गट्टे के। अब हमें इनको बॉयल करना है। तो गैस पर मैंने पानी पहले से ही चढ़ाकर रखा हुआ है, पानी जो है उसमें बॉयल आ चुका है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच ऑयल डाला था। अब हम इसको एक एक करके इसमें डालते जाएंगे सारे गट्टों को, और इनको हमें बॉयल करना है। 5 से 7 मिनट लगते हैं गट्टे जो है अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। गट्टों को बॉयल होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि गट्टे हमारे जो है बॉयल होकर तैयार हुए हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि गट्टे जो है ये बिल्कुल बॉयल होकर तैयार हैं। जैसे ही ये बॉयल हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ये फूल कर ऊपर पानी पर जो है वो तैरने लगते हैं। तो इसका मतलब है ये गट्टे जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और एकदम अंदर तक कुक हो चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गट्टे जो है बनकर तैयार हुए हैं। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इनको पानी से बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। इनके ऊपर आप ये छोटे छोटे से बबल्स से देख रहे हैं। जब गट्टे अच्छे से बॉयल होकर तैयार हो जाते हैं तो इस तरह से बबल्स बन जाते हैं इनके ऊपर। अब हमको इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको कट कर रही हूँ। गट्टे बिल्कुल ठंडे हो जाए उसके बाद ही आपको पीसेस में इनको कट करना है। गर्म गट्टों को अगर आप कट करेंगे तो गट्टे जो है वो मतलब बिखर जाएंगे एकदम से। तो इस तरह से एकदम ठंडे करके इसको काटिए आप। यहाँ पर देखिए मैंने सारे गट्टे जो इस पीसेस में काट लिए हैं। अब हम बनाने शुरू करते हैं इसकी ग्रेवी। तो गैस पर रख दिया मैंने कढ़ाई, उसमें डाला है 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल, उसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, तेज़पत्ता, 1 लौंग और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और साथ में ही डाल दूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। ज़्यादा खड़े मसाले मैंने यूज़ नहीं किए हैं।
अब इसे अच्छे से भूनना है हमें। साथ में ही हम डाल देंगे प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ। दो मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट करके रखा हुआ था। तो अब हमें इसको अच्छे से भून लेना है हल्का ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर, और साथ में डाल रही हूँ एक हरी मिर्च कटी हुई। अब सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है हमें एक दो मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं एक दो मिनट में। अब मैं इसमें साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, मसाले जो हैं वो जल ना जाएं और अच्छे से पक भी जाएं। तो थोड़ा सा पानी डालकर हमें इनको अच्छे से भूनना है एक दो मिनट। और यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी इसमें ऐड किया है, वो भी देखिए अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी और तड़के को और एक दो मिनट के लिए अच्छे से भूनूँगी। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं, प्याज टमाटर सभी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 4 चम्मच दही। दही जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लाता है गट्टे की सब्ज़ी में। और यहाँ पर गैस जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, फिर मैंने दही डाला है और एकदम लगातार चलाते रहना है आपको दही डालते ही जब आप तड़के में दही डालेंगे, नहीं तो दही जो है वो फट जाता है गरम चीज़ में डालते ही। तो हमेशा याद रखिए या तो गैस ऑफ करके दही डालिए मसाले में या गैस को बिल्कुल स्लो कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है गैस तेज कीजिए। तो यहाँ देखिए मसाला मेरा बिल्कुल भुनकर तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे गट्टे, इनको भी हमें एक दो मिनट के लिए तड़के में इस तरह से भूनना है अच्छे से, जिससे कि गट्टों में भी मसालों का फ्लेवर जो है वो अच्छे से चला जाए और जो गट्टे जो है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हों। तो यहाँ देखिए मसाले में एक दो मिनट हो गए हैं भुनते हुए गट्टों को। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी यहाँ पर मैं जिस पानी में हमने गट्टे बॉईल किए थे वो ही पानी यूज़ कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं मसाले के जो हमने बेसन में यूज़ किए थे। तो यहाँ पर एक कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अगर आपको नीड हो कि थोड़ा पानी और लगेगा ग्रेवी में तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को और अब हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पर कुक करना है, जिससे कि जो गट्टे की सब्ज़ी है बनकर तैयार हो जाए बढ़िया सी। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, गट्टे की सब्ज़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला। गर्मी के दिनों में जब घर में हरी सब्जियाँ वगैरह नहीं हो तो आप इस तरह से गट्टे की सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही पसंद आएगी फैमिली में सबको। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी और डाल दिया इसमें। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं सर्विंग बाउल में, गट्टे की सब्ज़ी बनकर तैयार है। जिस तरीके से आपको मैंने ये रेसिपी बताई है अगर आप इसी तरीके से गट्टे बनाते हैं तो गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए मैंने इसको बाउल में सर्व भी कर दिया है। आप चाहें इसे राइस के साथ सर्व कीजिए या रोटी या पराठे के साथ में, सभी के साथ में गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। ट्रेडिशनली इसे बाटी के साथ में सर्व भी किया जाता है, अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब आप भी अपने घर पर इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।